हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। और मैं दोबारा से अपने स्टूडियो में हूँ आज, बिकॉज आज मुझे आपको बताना था कि जो राहु ट्रांजिट हो रहा है, राहु केतु जो ट्रांजिट हो रहे हैं 23 सितंबर 2020 को, और राहु का ट्रांजिट टॉरस साइन में होगा और केतु का ट्रांजिट स्कॉर्पियो साइन में होगा। तो ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है 12 राशियों के लिए, 12 लगन वालों के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे एरीज लगन और एरीज राशि वालों के लिए राहु का ट्रांजिट कैसा रहेगा, और ये आपकी एक पूरी वीडियो जो है काफ़ी डिटेल में होगी। और राहु का ट्रांजिट जैसे मैंने बताया 23 सितंबर 2020 को होगा और 12 अप्रैल 2022 तक राहु का ट्रांजिट चलेगा, यानी राहु इस पीरियड के अंदर टॉरस साइन में ही रहने वाला है। और ये वीडियो जो है ये स्पेशली राहु के ऊपर है, और बाद में मैं आपको केतु के ऊपर दूसरी वीडियो बना के बताऊंगा। जैसे राहु आपके सेकंड हाउस में अगर आ रहा है, एरीज राशि वालों के लिए, एरीज लगन वालों के लिए राहु आपके सेकंड हाउस में आ रहा है, तो सेकंड हाउस का संबंध है वेल्थ से, सेविंग से, आपकी वैल्यू से। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके ईटिंग हैबिट्स को, जो भी आप खाना खाते हैं। और राहु यहां पर टॉरस साइन में होगा और अपने एग्जल्टेशन में होगा, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। इस पीरियड में एक तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा खाने के लिए, जो भी आप खाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाके खाना चाहते हैं वो चीज़ें मिलेंगी। और लॉकडाउन में तो लोगों की जो भूख है वो और ज़्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ अच्छा कहीं मिला नहीं खाने के लिए। कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ प्रॉपर तरीके से कुछ मिलता नहीं है। तो ये जो पीरियड है आपके लिए बहुत अच्छा है, और इस पीरियड में आप काफ़ी पैसे को सेव करने वाले हो, आपकी जो फैमिली वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। आप अपने चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी फैमिली वैल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो पीरियड काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है 6th हाउस में, कहीं जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे थे तो उसके भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 6th हाउस का संबंध कोर्ट केसेस से भी है, अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके भी चांसेस है कि आप किसी के ऊपर कोर्ट केस करें या कोई आपके ऊपर कोर्ट केस कर दे। 6th हाउस का संबंध लोन वगैरह से भी है, अगर आप लोन लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, तो उसके भी चांसेस बन रहे हैं। 6th हाउस का संबंध बीमारियों से भी है। तो 6th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है और आपके लगन चार्ट में या आपके मून चार्ट में 6th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, और 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेब्यूटेशन में है, एनिमी साइन में प्लेस्ड है, तो इस पीरियड में कुछ ना कुछ बीमारी भी हो सकती है। राहु का 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 8th हाउस में, लेकिन 8th हाउस में केतु भी प्लेस्ड होगा, क्योंकि केतु का ट्रांजिट भी 8th हाउस से होगा। अगर राहु 2nd हाउस से ट्रांजिट हो रहा है तो राहु का एस्पेक्ट यहां पर ज्यादा काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ केतु, बिकॉज केतु आपके 8th हाउस में प्लेस्ड है। राहु का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 10th हाउस में, तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, पब्लिक विजिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपको पब्लिक के बीच में आके काम करना पड़ता है, तो उस चीज के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है, और इस पीरियड में आपको काफ़ी नाम और फेम ये सारी चीज़ें मिलेंगी, पब्लिक ड्यूटी में आप इन्वॉल्व रहेंगे। अगर आप कोई पॉलिटिशियन हैं, अगर आप कोई फिल्म एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं, और पब्लिक के बीच में जाके आपको कुछ करना पड़ता है, तो उन चीज़ों में आपको फेम मिल सकता है, लेकिन 10th हाउस का संबंध है पब्लिक ड्यूटी से। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद योग है जो लोग पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए हैं, तो राहु का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। लेकिन इसके लिए आपके बर्थ चार्ट में अगर 10th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, और 10th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजिशन में है तो बेनिफिट ज़्यादा होगा, लेकिन 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेब्यूटेशन में है, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में चला गया है, तो हो सकता है कि आपको इतना बेनिफिट ना मिले। और इसी तरीके से राहु अगर आपके 2nd हाउस में है, तो 2nd हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में कहां पर प्लेस्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड वीनस आपके बर्थ चार्ट में कहां पर है, आपके मून चार्ट में, आपके लगन चार्ट में।
अगर वीनस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, वीनस अपने एग्जल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, अपने ऑन साइन में है, तो ये जो ट्रांजिट है आपका, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा और इस पीरियड में आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपके बर्थ चार्ट में यानी लग्न चार्ट में और मून चार्ट में सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी है और उसकी दशा चल रही है और राहु का एस्पेक्ट यहां गोचर के थ्रू आपके सिक्स हाउस में पड़ रहा है, तो सिक्स हाउस की चीजों के थ्रू आपको काफी बेनिफिट होगा। कोर्ट केसेस के थ्रू आपको बेनिफिट होगा, अपनी जॉब या सर्विस के थ्रू आपको बेनिफिट होगा। टेंथ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी है और इस पीरियड में अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या पब्लिक ड्यूटी में आना चाहते हैं, टेंथ हाउस का लॉर्ड केंद्र भाव में है, अपने ऑन साइन में है और राहु यहां से ट्रांजिट हो रहा है, तो इस पीरियड में आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। राहु टॉरस साइन में अपने एग्जल्टेशन में होता है, इस पीरियड में आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने चेहरे का रखना है, अपनी फैमिली वैल्यू का रखना है, अच्छा अच्छा खाना खाना है और बड़े मस्त तरीके से रहना है। और ये जो ट्रांजिट है एरीज राशि वालों के लिए, एरीज लगन वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि राहु का ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो और आप इस पीरियड में काफी वेल्थ को अर्न करें। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एरीज राशि वालों के लिए, एरीज लगन वालों के लिए राहु का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में या अपनी राशि के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।